हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। भारत के संसद भवन में अरबी में लिखा है, इन्ना इलिल्लाहे लायुग इयेरो माबिका मिन। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। नई दिल्ली में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया पार्लियामेंट हाउस 83 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर बनाई गई थी। 1921 में शुरू होने वाले निर्माण को पूरा होने में 6 साल लगे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन एडवर्ड फ्रेडरिक लिडली वुड ने उद्घाटन समारोह का अनावरण किया। 6 एकड़ के क्षेत्र को कवर करने वाली यह इमारत एक विशाल गोलाकार भवन है जिसमें 170 मीटर से अधिक व्यास और 536 मीटर से अधिक परिधि में पारह द्वार है। इमारत का वास्तुशिल्प डिजाइन प्राचीन भारतीय परंपरा और आधुनिक सुविधाओं का एकदम सही मिश्रण है। परिसर में प्राचीरातीत 6 लिफ्ट है। इमारत का एक बड़ा हिस्सा वातानुकूलित है। इमारत में संसद भवन, रिसेप्शन ऑफिस बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग, संसद भवन अनुबंध और विशाल लॉन की कृत्रिम तालाबों के साथ मेजबान है। चूंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, संरचना एक सजावटी लाल बलुआ पत्थर की दीवार और लौह द्वारा से घिरा हुआ है। संसद भवन जाने वाली सड़कों का सार्वजनिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पार्लियामेंट भवन की सबसे खास बात जो दूसरे से अलग करती है वो शिलालेख या इंस्क्रिप्ट। पार्लियामेंट हाउस में प्रवेश के बाद लिफ्ट नंबर 1 तक दाहिने ओर बढ़ते हुए आप लोग सभा के आर्क आकार की बाहरी लॉबी में आते हैं। इसे लॉबी पर मिडवे एक गेट आंतरिक लॉबी की ओर जाता है और इसके विपरीत केंद्रीय हॉल में इसके विपरीत आंगतुल की आंख 2 शिलालेखों की तरफ पड़ती है। गेट नंबर 1 पर देखे गए इंस्क्रिप्ट को अंतराकृत लॉबी के द्वारा पर बार बार पाया जाता है घूमते हुए और सेंट्रल हॉल के पारित होने पर गुबद को देखकर एक अरबी लिपि में लिखा हुआ कोट मिलेगा, इन्ना लिल्लाहे लायुग इयेरो माबिका बिन हत्ता युग इयेरो और बा बिन शफेहु। इसका अर्थ है कि सारे जहां का मालिक अल्लाह ताला किसी भी व्यक्ति की स्थिति को तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि वो खुद को न बदले। और अंत में लिफ्ट संख्या 5 के बाद गुंबद पर फारसी में लिखा गया है, बड़ी रुआक जबजर नविस्ता अंदर बजर जीजुम निकोई ए अहले करम नरवाह मंद। इसका अर्थ है, यह बुलंद पन्ना सोने से लिखा गया है हर्फ शिलालेख जो इस बिल्डिंग को संभालते हुए है, उदाहरण के अच्छे कर्मों को छोड़कर कुछ भी नहीं टिकेगा। उस वो केरी गई हर्फ उस भावना का संकेत है कि जिसके साथ संसद को अपना काम करना चाहिए। ये विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में देश भर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भारत के रहस्यवादी पौराणिक सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास को दर्शाते हुए गलियारों में 58 पैनलों से सजाए गए हैं। संसद भवन परिसर में 30 मूर्तियों और बस्ट है। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पंडित रविशंकर शुक्ला की मूर्तियां शामिल है। सेंट्रल हॉल में 23 पोर्ट्रेट है। उपनिदश, महाभारत, मनुस्मृति आदि के शिलालेख भी यहाँ उकेरी गई है। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।